एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉगर पूजा, और मैं हूँ पूजा। सो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ मॉर्निंग में छोले भटूरे। तो यहाँ पे मैंने काबली चने जो है वो भी गो दिए, उसमें मैंने 4 आलू डाल दिए, थोड़े से सूखे गर्म मसाले डाल दिए और थोड़े से लहसुन मैंने छील कर डाल दिया, और उसमें जाएगा हल्दी पाउडर। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी नमक, जो कि टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। उसके बाद जाएगी चाय की पत्ती, तो स्टेनर रख देंगे और उसमें चाय की पत्ती जो है वो हम डाल देंगे। उसके बाद 8 से 10 सीटी और हमारी छोले जो हैं वो गल जाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे सरसों तेल लिया है, उसको गर्म किया, और उसके बाद हमने इसमें डाला है 1/2 चम्मच जीरा, और उसके बाद हमने इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने थोड़ा सा दरदरा ही पीसा हुआ है, इसमें 2 हरी मिर्ची है, थोड़े से अदरक हैं, और इन सबको भून लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे 1 बड़े साइज का टमाटर का प्यूरी। उसके बाद जो ड्राई मसाले होते हैं वो डालेंगे, जैसे कि जीरा, धनिया पाउडर, काली मिर्च, लाल मिर्च, वो सब डालेंगे। उसके बाद हमने जो आलू जो बॉईल करके रखे थे वो उसमें थोड़ा सा क्रश करके इसमें डाल देंगे, तोड़ के आलू को, ताकि अच्छी सी ग्रेवी बने। और उसके बाद हम इसमें छोले भी डाल देंगे जब हमारे मसाले भून जाएंगे और आलू भून जाएंगी उसके बाद। और इन सबको अच्छे से मिक्स करना, 1-2 बार ही मिक्स करना, क्योंकि छोले अच्छे से गले हुए हैं। जो खड़े गरम मसाले थे वो मैंने पहले ही निकाल लिए, क्योंकि जब वो मुंह में जाते हैं तो बहुत ही गंदा सा टेस्ट आता है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला पाउडर, और गरम मसाला डालने के बाद इसको लगभग 2 मिनट के करीब भूनना है। और जब हमें लगे कि सारे मसाले हमारे अच्छे से भून गए, उसके बाद हमें पानी डाल देना है। पानी आपको उसी के अकॉर्डिंग डालना है जिसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेवी रखनी है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता, जो कि हमने ऑफ कैमरा डाला था। और उसके बाद हमारे जो छोले हैं 2 मिनट के लिए इसको बॉईल, 2-3 मिनट के लिए होने देंगे, और हमारे छोले जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी से छोले बनते हैं। उसके बाद अब हम बनाएंगे भटूरे। भटूरे की रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, और ये मैंने भटूरे भी बना लिए हैं, और पहले वाले भटूरे अच्छे से नहीं फूले थे। और उसके बाद जब मैंने भटूरे बनाए वो बिल्कुल गुब्बारे के जैसे फूल गए थे, क्योंकि मैंने इसमें दही की जगह इनो का यूज़ किया था, और सारे गुब्बारे सारे भटूरे बहुत ही अच्छे बने थे। और ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, छोले भटूरे, प्याज, नींबू और हरी मिर्च। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉगर पूजा, और मैं हूँ पूजा। सो गाइस, आज मैं फर्स्ट टाइम नाइट में शूट कर रही हूँ। टाइम कितना, और मैं दिखा देती हूँ। सो ये देख लो, अभी बज रहे रात के 10:15, और मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। क्यों स्टार्ट की है, क्योंकि अभी आपको मेरा फेस जो कैमरे पे क्लीन दिख रहा होगा, लेकिन ये छोटे 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 इस तरीके से बर्न्स मेरे फेस पे निकल गया है। और अभी अभी मैंने हेयर ऑयलिंग की है पूरा तेल भर के, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, तो हेडेक होने के कारण मैंने सोचा मैं सो जाती हूँ। पर अभी जो है वो जब मैंने हेयर ऑयलिंग की है, तो उसके बाद मेरा सर दर्द जो है वो गायब हो गया, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो और इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि जो कि ज़रूरी है वो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। सो ये देखिए गाइस, अभी मैं करने वाली हूँ VLCC का डायमंड ब्लीच एंड फेशियल, और ये एंटी टैन फेशियल है। तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि मुझे वेडिंग में जाना है, तो मुझे ये सब करना है। अभी मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा है स्टीम के लिए। तो ये देखिए, हमारा पानी जो है वो बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी और फेस पे स्टीम लूँगी, इसलिए ताकि अभी विंटर का सीज़न है, तो फेस का जो है जितना भी ओपन पोर्स है वो लॉक है, तो उसको थोड़ा सा वो अनलॉक करेगा। तो ये देखिए, हमने पानी में नमक डाल दिया है, अब मैं स्टीम लूँगी। सो ये देखिए, हमने स्टीम ले लिया है, और मेरे फेस पे जो ओपन पोर्स है अभी भी ज़्यादा नहीं, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं खुला, क्योंकि मेरा जो ओपन पोर्स है बिल्कुल लॉक हो रखा है, स्क्रीन जो है मेरी बिल्कुल टाइट ना हो रखी, इसलिए हो रखी है क्योंकि मैं प्लम का जो टोनर यूज़ कर रही हूँ इस वजह से। और मैं 2 टाइम या फिर कभी मेकअप वगैरह करती हूँ, फ़ोन पानी में गिर जाता, तो कभी मेकअप वगैरह करती हूँ तो फिर 3 टाइम हो जाता है। और नेल पेंट्स की तो मेरी पुरानी बीमारी, जो कि आज लगाया कल गया। सो
अब मैं ब्लीच कर लेती हूँ। और ये सब करते वक्त का मैं नहीं शूट करूँगी, थोड़ा बहुत बीच बीच में क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सो गाइस, मैंने फेशियल कर लिया है और 6 स्टेप थे और अभी जस्ट मैंने 6 स्टेप जो है वो कंप्लीट किए हुए हैं, तो आप देख सकते हो। और फेस में डिफरेंसेस आए हैं मेरे, यहाँ पे पिंपल्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा शो हो रहे थे, तो अभी तो पिंपल्स वगैरह जो है वो मतलब कि जो बम्स वगैरह निकल आए थे वो सारे तो ऑलमोस्ट मुझे कम लग रहे हैं। फेस पे मैंने मिरर में देखा तो काफ़ी अच्छा ग्लो आ रहा था, क्योंकि VLCC का प्रोडक्ट्स है तो काफ़ी अच्छा ग्लो करता है। एंड और फेशियल जो है वो 2-4 दिन बाद उसका जो ग्लो होता है वो ज़्यादा अच्छे से आता है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैनीक्योर पेडीक्योर किट है, जो कि अभी मैंने फर्स्ट सेकेंड स्टेप किया है, अभी करने वाली हूँ थर्ड स्टेप है हैंड एंड फुट स्क्रब, तो अभी स्क्रबिंग करनी है। सो अब पता नहीं कब मिलते हैं, देखते हैं। हाय गाइस, सो आप लोगों से बातें हुई थी मेरी 2-3 दिन पहले, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं फेशियल कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा कुछ तो नहीं शेयर कर पाई थी, बस जो बताया था बस वही था, और इसलिए नहीं शेयर कर पाई क्योंकि 2 दिन से हमारे यहाँ लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और हम लोग भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमें जाना है, और जाना है तो बहुत सारी पैकिंग करनी थी, कपड़े धुलने थे क्योंकि अभी विंटर का टाइम है तो बहुत सारे कपड़े जाने हैं, तो इसलिए बहुत सारे कपड़े थे जो कि धुलने थे, उनको सुखाना था, प्रेस करना था, और जिनमें से कि कोई काम नहीं हो पाया। और कल जो है वो लाइट 8:45 के करीब ही चली गई थी, और उस वक्त से लेके शाम के 6 बजे आई, और हमारे यहाँ ऐसा हो गया था कि इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया और पूरा का पूरा जो है मतलब कि हम लोग अंधेरे में थे, कैमरे का मतलब कि फ़ोन का फ्लैश लाइट जला के हम लोग काम कर रहे थे, तो ऐसा सिचुएशन था। अभी मैं मार्केट भी गई थी क्योंकि हमारी जो पैकिंग है वो ऑलमोस्ट क्या हो ही गई है, बस उसको अच्छे से तय करना है और फाइनल पैकिंग करनी है। तो आप हरिद्वार भी जा सकते, तो वो देखिए वहाँ पे हमारी पैकिंग हो रही है। ऊपर पे जो आपको जो कपड़े दिख रहे हैं, 1-2 कपड़े वो हटा देंगे हम, और बाकी के सारे कपड़े वो हैं जो कि हमें सुबह पहनना है, इसलिए हमने वो कर दिया है। और अभी बज रहे हैं 8:15, और अभी जस्ट मैंने नाइटी चेंज की है, तो मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लूँ, फिर ये बातें नहीं हो पाएगी आप लोगों से क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है कहीं जाना, और वो भी विंटर में सर दर्द का काम है। 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है पूरे साल का कपड़ा लेके जा रहे हैं, और भरे ही जा रहे, कम ही नहीं हो रहा है। और अभी जा रही हूँ, भूख लग गई है तो जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, तो खाना ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाना है, सिर्फ रोटी बनाऊँगी क्योंकि सुबह मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना ली थी, क्या करी यार भी, तो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बना ली थी तो इसके कारण। और रात को मैं नेल पेंट्स छुड़ाऊँगी फिर लगाऊँगी, पैर में भी नहीं लगा हुआ, आज मैंने हेयर स्पा भी किया था तो अभी भी थोड़े बहुत मेरे जो हेयर हैं वो थोड़े से सॉगी सॉगी से लग रहे हैं। और फेस पे कुछ भी नहीं, सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाया और टोनर लगाया है, और लिप्स पे लगाया है लिप बाम। ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, शायद हो सकता है तो इस वीडियो को मैं कल के लिए भी बचा कर रखूँ, या फिर नाइट में आप लोगों से फाइनल पैकिंग के बाद आप लोगों से बातें कर लूँ। पैकिंग तो वैसे मेरी ऑलमोस्ट हो ही गई है, लेकिन उसको थोड़ा सा सीरियल वाइज रखना है कि कौन सी चीज़ें कैसे रखनी है, क्या रखना है, क्योंकि हस्बैंड के जो नखरे हैं वो बहुत ज़्यादा है। मेरी पैकिंग हो चुकी है, मैंने अपनी सारी चीज़ें रख दी, बच्चों के भी रख दिए हैं, लेकिन उनका है कि उनको मतलब कि एक चीज़ को 10 बार निकालना, 10 बार रखना, 10 बार निकालना, 10 बार रखना। और अभी 3 मिनट मैंने बातें कर ली तो अब फाइनली बाय।